दोस्तों आप सभी लोग गूगल क्रोम ब्राउजर तो यूज करते होंगे, लेकिन क्या आपको गूगल क्रोम ब्राउजर की ये टॉप 10 सीक्रेट्स पता हैं, जिसका यूज करके आप अपना काफी टाइम सेव कर सकते हो। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं गूगल क्रोम ब्राउजर में जो आपको अभी तक नहीं पता होंगी, और ये टॉप 10 सीक्रेट्स इतनी कमाल की हैं कि जिसका यूज करके आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो, लाइक अपने बॉस को, अपने कलीग्स को, अपने सीनियर्स को, इनफैक्ट अपनी गर्लफ्रेंड को इस फीचर्स का यूज करके आप इम्प्रेस कर सकते हो। दोस्तों वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, काफी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है आज आपको, तो वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों आइए अपने वीडियो को मूव करते हैं और अपने टॉप 1 सीक्रेट्स की ओर चलते हैं। तो दोस्तों जब आप गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे तो इसमें आपको यहाँ 3 डॉट लाइन पे क्लिक करना है, और यहाँ जाना है आपको सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ ऑटोफिल का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, ऑटोफिल पे क्लिक करना है, पासवर्ड पे क्लिक करना है। जैसे आप पासवर्ड पे क्लिक करेंगे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब दोस्तों आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब आप जीमेल आईडी लॉगिन करते हैं या कोई वेबसाइट लॉगिन करते हैं और उसमें जब आप अपना पासवर्ड इंटर करते हैं तो गूगल क्रोम ब्राउज़र की तरफ से एक पॉपअप आता है, सेव पासवर्ड या नेबर सेव पासवर्ड। तो बहुत से लोग पासवर्ड को सेव करते हैं, बहुत से लोग पासवर्ड को नहीं सेव करते हैं, और जो लोग पासवर्ड को सेव करते हैं, सेव करने के बाद डिलीट करना चाहते हैं, या सेव करने के बाद भूल गए हों, या सेव करने के बाद उस पासवर्ड को कॉपी करना चाहते हैं, या पासवर्ड को रिमूव करना चाहते हैं, या एडिट करना चाहते हैं, तो ये सेटिंग आपकी हेल्प करेगा। आइए जानते हैं। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ आपको जो भी आपने पासवर्ड सेव किया उसकी सारी डिटेल्स आपके सामने यहाँ आ जाएगी, जिस ईमेल आईडी का आपने पासवर्ड सेव किया और जिस वेबसाइट का पासवर्ड सेव किया, सारी डिटेल्स आपके सामने यहाँ दिखने लगेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस आई बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप आई बटन पर क्लिक करेंगे आपको आपका पासवर्ड यहाँ दिखने लगेगा, लेकिन अभी मेरा नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने अपने सिस्टम में पासवर्ड लगाया। तो अगर आपने भी अपने सिस्टम में पासवर्ड लगाया तो आपको यहाँ पासवर्ड इंटर करना है, उसके बाद ओके करना है, और यहाँ आपका पासवर्ड दिखने लगेगा। इसी तरह दोस्तों आप पासवर्ड कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी भी कर सकते हैं, इसी टाइप से एडिट भी कर सकते हैं, और पासवर्ड को रिमूव भी कर सकते हैं। तो है ना दोस्तों कमाल की ट्रिक्स। तो चलिए दोस्तों अपने टॉप 2 सीक्रेट्स की ओर मूव करते हैं। दोस्तों फिर से आपको इस 3 डॉट लाइन पर क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा यू एंड गूगल, इस पर क्लिक करना है, और कस्टमाइज योर क्रोम प्रोफाइल। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ये देखिए पिक द थीम कलर। तो ये अभी जो मैंने पिक किया है मेरा ये वाला थीम कलर है, तो आप देखिए किस तरह मेरा गूगल का अपीयरेंस आ रहा है, थोड़ा अट्रैक्टिव दिख रहा है ना। तो अगर आप भी अपना अट्रैक्टिव करना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारे थीम कलर दिए गए हैं, आप चूज करके अपने क्रोम ब्राउज़र को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं दोस्तों, या दूसरों से थोड़ा हट के आपका क्रोम ब्राउज़र दिखेगा, यूनिक दिखेगा, है ना दोस्तों। चलिए ये वाली सेटिंग हो गई। अब आप जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन के अवतार देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अभी देखिए मेरा अवतार का डिज़ाइन इस टाइप से हो गया। मैं अपनी फ़ोटो पे क्लिक करूँगा तो मेरा फ़ोटो का हो जाएगा। तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप अपने हिसाब से अवतार को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो है ना दोस्तों ये भी काफ़ी कमाल की। तो चलिए दोस्तों अपने टॉप 3 सीक्रेट्स की ओर मूव करते हैं। दोस्तों फिर से आपको इस 3 डॉट लाइन पे क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है, और यहाँ आपको क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे क्लिक करना है। तो इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, बेसिक एंड एडवांस। तो अभी मैं बेसिक आपको समझा देता हूँ। बेसिक में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको टाइम रेंज देखने को मिलेगा, लास्ट आवर का आप डेटा क्लियर करना चाहते हैं कि लास्ट 24 आवर्स का, कि लास्ट 7 डेज का, कि लास्ट 4 वीक्स का, कि या ऑल टाइम, यानी अभी तक आपने जो जो भी काम किया है क्रोम ब्राउजर पर उस सारे को डिलीट करना चाहते हैं तो आप ऑल टाइम सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूं ऑल टाइम, ठीक है। तो इसमें आप क्या क्या क्लियर कर सकते हैं, ब्राउजिंग हिस्ट्री क्लियर कर सकते हैं, कुकीज एंड अदर साइट डेटा क्लियर कर सकते हैं, कैश्ड इमेजेस एंड फाइल डिलीट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ नॉर्मल ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप यही एडवांस में जाएंगे तो इसमें आपको और भी कैटेगरी देखने को मिल जाती है, ब्राउजिंग हिस्ट्री है, डाउनलोड हिस्ट्री है, कुकीज एंड अदर साइट डेटा है, कैश्ड इमेजेस एंड फाइल्स है, पासवर्ड एंड अदर साइन इन डेटा है, ऑटोफिल फॉर्म डेटा है, साइट सेटिंग है, होस्टेड ऐप डेटा है। अगर आप इन सब को भी क्लियर करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और आप क्लियर कर सकते हैं, यानी आप जो भी क्लियर करना चाहते हैं टिक करके उसके ऊपर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लियर कर सकते हैं। आपको ये एडवांस में देखने को मिलेगा, बेसिक में आपका ये ऑप्शन नहीं है, इतना सारा कैटेगरी नहीं है। तो है ना दोस्तों ये भी काफ़ी कमाल की। तो आइए दोस्तों अपने टॉप 4 सीक्रेट्स की ओर मूव करते हैं। दोस्तों आपको फिर से 3 डॉट लाइन पर क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है इस एडवांस वाले ऑप्शन में, और यहाँ फिर आपको डाउनलोड्स में जाना है। तो जब आप डाउनलोड्स में जाएंगे दोस्तों आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब आप फाइल को डाउनलोड करते हैं तो वो सारी फाइल बाय डिफॉल्ट डाउनलोड्स
फोल्डर में जाती है ना। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप कोई स्पेसिफिक फोल्डर देना चाहते हैं कि जो भी हम फाइल डाउनलोड करें किसी स्पेसिफिक फोल्डर में जाए, तो आप यहाँ से बाय डिफॉल्ट चूज कर सकते हैं उस फोल्डर को, राइट। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है, आस्क वेयर टू सेव ईच फाइल बिफोर डाउनलोडिंग, इसको अगर आप टिक कर देते हैं तो इसका क्या बेनिफिट्स है मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी जैसे आप देख रहे हैं मैंने टिक हटा दिया, ठीक है। मैं यहाँ जाता हूँ फाइल, एक फाइल को मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। अभी मैं जैसे इसको डाउनलोड करूँगा तो अभी आप देखेंगे डायरेक्ट आपका फाइल डाउनलोड होने लगा और जहाँ आपने बाय डिफॉल्ट उस फोल्डर को चूज किया था उस फोल्डर में ये सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब मैं इस पर टिक करूँगा और टिक करने के बाद अब मैं फाइल को डाउनलोड करूँगा तो अभी आप देखेंगे कि ये मुझसे पूछेगा कि आप फाइल को कहाँ रखना चाहते हैं, किस फोल्डर में डाउनलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ आप अपना स्पेसिफिक फोल्डर चूज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये आपको हमेशा पूछेगा। अगर आपके क्रोम ब्राउजर में इसमें टिक नहीं है तो आप यहाँ से टिक करके उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अपने टॉप 5 सीक्रेट्स की ओर मूव करते हैं। दोस्तों फिर से आपको इस 3-डॉट लाइन पर क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ ऑन स्टार्टअप, इस पर क्लिक करना है। अब आप इसको ध्यान से समझिए, ये पहला क्या है, ओपन द न्यू टैब पेज, यानी अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर आपका गूगल क्रोम ब्राउज़र डायरेक्ट बंद हो जाता है या आप क्लोज कर देते हैं, लाइट चली जाती है, ब्राउज़र डायरेक्ट क्लोज हो जाता है, तो जब भी आप गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे तो आपके सामने एक न्यू टैब ओपन होगा। जैसे मैं देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इस क्रोम ब्राउज़र को क्लोज कर देता हूँ, राइट। तो अभी मैं जैसे क्लोज करूँगा, अब मैं गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करूँगा तो अब मेरे पास देखिए क्या आएगा ऑप्शन, मेरे पास न्यू टैब ओपन होके आ जाएगा। ये देखिए आपके सामने, अभी आप देख रहे हैं मेरे सामने न्यू टैब ओपन होके आ गया, राइट। अब मैं फिर से सेटिंग में जाता हूँ, ठीक है, और मैं जाता हूँ ऑन स्टार्टअप फिर से, तो ठीक है। इसके बाद मेरा दूसरा ऑप्शन है कंटिन्यू वेयर यू लेफ्ट ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद मान लीजिए मैंने यहाँ जीमेल ओपन किया था, ठीक है, और यहाँ कोई दूसरी और एक वेबसाइट मैंने जैसे ओपन की थी, गूगल जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ मैंने ओपन किया था, राइट। तो अभी मान लीजिए आपकी लाइट चली जाती है या आपसे गलती से क्रोम ब्राउज़र क्लोज हो जाता है, ठीक है, तो अभी आप देखिएगा क्या होगा। अब मैं जब गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करूँगा तो मेरा ब्राउज़र वहीं से रिकवर हो जाएगा। अब देखिए जहाँ से मैंने क्लोज किया था, जहाँ से अचानक बंद हो गया था, सारी वेबसाइट आपके सामने फिर से खुल जाएगी, आपको फिर से बार बार जाके ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो है ना दोस्तों ये कमाल का फीचर्स। तो चलिए दोस्तों अपने टॉप 6 सीक्रेट्स की ओर मूव करते हैं। दोस्तों फिर से आपको 3-डॉट लाइन पर क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ सर्च इंजन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको मल्टीपल सर्च इंजन दिए गए हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं मैं न्यू टैब ओपन कर रहा हूँ तो मेरे सामने गूगल का सर्च इंजन है, राइट। तो मैं क्या करूँगा इस सेटिंग्स में, जैसे मैंने अभी कर दिया मान लीजिए इसका बिंग का कर दिया, अभी क्या होगा जब मैं गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करूँगा तो मेरे पास बिंग का सर्च इंजन आ जाएगा, आप देख रहे हैं। इसी तरह आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप करना चाहते हैं सर्च इंजन तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए सिक्योर सर्च है, बिंग है, याहू है, याहू का करूँगा तो मेरे पास याहू का हो जाएगा। ये देखिए अभी मैं जो ओपन करूँगा तो यहाँ आप देख रहे हैं याहू का सर्च इंजन मेरे पास आ गया। तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर से गूगल क्रोम कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मैनेज सर्च इंजन्स, इस पर जब आप क्लिक करेंगे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ जितने आपके सर्च इंजन हैं यहाँ आपके सामने दिखने लगेंगे। अब आप 3-डॉट लाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप इसे डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ देखिए नाम अपना दे दिया है गूगल अभिजीत, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से नाम भी दे सकते हैं और आप सर्च इंजन को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप दूसरा सर्च इंजन ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ नीचे से ऐड करके दूसरा सर्च इंजन ऐड कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। चलिए दोस्तों अपने टॉप 7 सीक्रेट्स की ओर मूव करते हैं। दोस्तों फिर से आपको 3-डॉट लाइन पर क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ आपको अपीयरेंस का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहला ऑप्शन है देखिए थीम, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होगा, आपके सामने थीम की कैटेगरी ओपन होके आ जाएगी। ये देखिए आपके सामने थीम की कैटेगरी ओपन होके आ गई है। अगर आप अपने गूगल क्रोम को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो इसमें बहुत से सारे थीम दिए गए हैं, आप इस पर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ऐड टू क्रोम कर देना है आपको। तो जैसे आप ऐड टू क्रोम करेंगे विद इन सेकेंड में ये सेटिंग अप्लाई हो जाएगी और आपके क्रोम में अप्लाई हो जाएगी। आप देखेंगे अभी थोड़ी देर लगेगा आपके क्रोम में ये सेटिंग्स अप्लाई हो जाएगी। ये देखिए आपके क्रोम में ये सेटिंग्स अप्लाई हो गई, आपका क्रोम और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो है ना दोस्तों कमाल का, ठीक है। उसके बाद आपके इसमें बहुत सारी कैटेगरी दी गई है, बहुत सारे डिज़ाइन टैंपलेट्स दिए गए हैं, बहुत सारे थीम दिए गए हैं। आप देखिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं, जो भी आपको डिज़ाइन अच्छी लग रही है आप उसे अप्लाई कर सकते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है।
इसके बाद आपको यहाँ नीचे देखेंगे, यहाँ शो होम बटन दिया गया है, इस पर जब आप क्लिक हटा देंगे तो अभी आप देख रहे हैं, जैसे आप क्लिक फिर से करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपके सामने होम बटन आ गया। इसका क्या बेनिफिट्स है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने न्यू टैब पेज किया, ठीक है, न्यू टैब पेज पर क्लिक किया, होम बटन को आपने इनेबल कर दिया है, तो अभी आप मान लीजिए यहाँ आपने क्लिक किया है, यहाँ आपने जैसे मान लीजिए ये मेरा जीमेल ओपन है, तो जैसे मैं होम बटन पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने न्यू टैब ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरह आप इस पर क्लिक करके यहाँ कोई वेबसाइट का नाम दे देते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ दे दिया, ठीक है, अब मैं इस पर जैसे मान लीजिए मेरे सामने ये है, ये खुला हुआ है, अब मैं इस पर होम पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास डायरेक्ट sifi.com आ जाएगा। तो है ना दोस्तों, ये भी काफी कमाल की ट्रिक्स। तो चलिए दोस्तों अपने टॉप 8 सीक्रेट्स की ओर मूव करते हैं। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि मैंने अपने बुकमार्क में कुछ फोल्डर ऐड किए हैं, यानी ईमेल, तो मुझे जैसे ईमेल पे जाना है, तो मैं जैसे ईमेल पे क्लिक करूंगा तो मेरी जितने भी सारी ईमेल होगी यहाँ दिखने लगेगी। अभी रिसेंटली मेरे पास सिर्फ एक ईमेल आईडी है, इसलिए मैंने एक ऐड किया है, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा मैं तुरंत अपने जीमेल आईडी की ओर मूव कर जाऊंगा। अगर इसी तरह आप पास मल्टीपल ईमेल आईडी है तो आप इसे ऐड कर सकते हैं और आप डायरेक्टली जा सकते हैं, आपको ईमेल पे क्लिक करना है और डायरेक्टली आप अपने ईमेल की ओर मूव कर जाएं। इसी तरह मैंने सोशल मीडिया का बनाया है, सोशल मीडिया मेरे पास YouTube है, Facebook है, Instagram है, जो भी आपके सोशल मीडिया है आप उसको यहाँ ऐड कर सकते हैं और डायरेक्टली वहाँ मूव कर सकते हैं। इस सेटिंग को कैसे अप्लाई करते हैं आइए दिखाते हैं आपको डिटेल से। तो आपको यहाँ 3 डॉट लाइन पे क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद अपीयरेंस में आपको जाना है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा शो बुकमार्क्स बार, तो जैसे आप इसको हटा देंगे तो यहाँ से बुकमार्क्स आपका रिमूव हो जाएगा, आप इसको क्लिक कर देंगे तो यहाँ आपका इनेबल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका इनेबल का प्रोसेस, अब सेटिंग कैसे करना है आइए सीखते हैं। अब मान लीजिए जैसे यहाँ आपने एक न्यू वेबसाइट ओपन की, जैसे सिफी, मान लीजिए ये आपका ईमेल आईडी है, मैंने ओपन किया, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ आपको स्टार वाला आइकन पर क्लिक करना है, ऐड बुकमार्क करना है, ठीक है। ऐड बुकमार्क करने के बाद आपसे नेम मांग रहा है, तो मैं नेम दे दूंगा जैसे सिफी, ठीक है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी नेम दे सकते हैं। यहाँ आपको चूज करना है फोल्डर, तो मैं क्या करूँगा, जैसे आपको न्यू फोल्डर बनाना है तो आप मोर पे क्लिक करेंगे, मोर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करिएगा बुकमार्क बार पे, इसके बाद आप न्यू फोल्डर क्रिएट करिएगा, ठीक है। अब आप यहाँ कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं दे दूँगा जैसे ईमेल आईडी, मान लीजिए मैंने दे दिया, ठीक है, ईमेल आईडी। अब मैं सेव करूंगा तो अभी आप देखिए अब आपका बुकमार्क डायरेक्ट ईमेल आईडी के नाम से बन चुका है। अब ये देखिए सीफी पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए सीफी खुल गया। मान लीजिए कोई दूसरा ब्राउजर है, जैसे मान लीजिए ये गूगल है, इसको मान लेते हैं मेरा ये कोई ईमेल आईडी है, ठीक है। अब आपको इसको ईमेल आईडी के अंदर ऐड करना है, तो आप फिर से इस पर क्लिक करेंगे, ऐड बुकमार्क पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप नेम दे दीजिएगा जो देना चाहते हैं। अब आप फोल्डर यहाँ से चूज कर लीजिएगा, ईमेल आईडी चूज कर लेंगे और डन कर देंगे, तो अब ये आप देखेंगे गूगल हमारा ईमेल आईडी में आ गया। तो इस तरह आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, देखने में और भी अच्छा लगेगा, जो भी आपका गूगल क्रोम देखेगा, ब्राउजर देखेगा, एक प्रोफेशनल लुक देगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।